वेलकम बैक टू अवर चैनल जेडी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर फर्स्ट का अपलोड किया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ था लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, सो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से मार्क भी था। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, जो आपने देखा भी था, न्यूमरेटर में क्या रहता था, बेस रहता था दोनों ट्रायंगल का, बी वन मल्टीप्लाई बाय बी टू ऐसा कुछ तो रहता था। एंड सिमिलरली आपका डिनोमिनेटर में क्या होता था, दोनों ट्रायंगल के हाइट्स होते थे। ओके, सो एच वन इंटू एच टू। ओके, सो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर क्या रहेगा फिर, ऑप्शन सी, द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 19 एंड हाइट इज 5, मीन्स एक ट्रायंगल का बेस देके रखा है 19 एंड उसका हाइट भी दिया है 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 9, देन द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी। तो बहुत ही सिंपल सा आपको बोलना है, बिकॉज आपको एक दो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो आपको एक ट्रायंगल का दिया हुआ बेस हाइट एंड अनदर ट्रायंगल का भी देके रखा हुआ है। तो मैं इसको दोनों ट्रायंगल को अज्यूम करता हूँ, दोनों ट्रायंगल के एरिया को A1 अपॉन A2, एंड जो बेस एंड हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का B1 इंटू H1। ओके, सो B1 मल्टीप्लाई बाय H1, एंड सिमिलरली जो सेकेंड वाला रहेगा उसका क्या रहेगा, B2 मल्टीप्लाई बाय H2। उसके लिए मैं 2 लिया हुआ है, सो B2 मल्टीप्लाई बाय H2। ओके, सो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ है। सो अभी जो फर्स्ट वाला है आपको क्या देके रखा है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 19 एंड हाइट इज 5, तो इधर 19 एंड इधर 5। सो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 19 एंड 5 को लिख के तो क्या आएगा, 19 इंटू 5 विल बी 95। ओके, तो ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल का हमको एरिया आया। एंड सिमिलरली जो सेकेंड वाला ट्रायंगल रहेगा उसका क्या आएगा, 10 9 इज 90, सो 95 अपॉन 90। अभी डायरेक्ट ऐसा तो आपको ऑप्शन में दे के रखा हुआ नहीं, आप देख सकते हो, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। 5 का टेबल 5 19 जा, ओके 19 5 जा 95 होता है ना, सो 5 19 जा, एंड 5 18 जा, 18 5 जा 90, सो 5 18 जा। मीन्स हमको आंसर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रेडियस फॉर्म में 19 अपॉन 18। ओके, सो 19 अपॉन 18 इज द फर्स्ट ऑप्शन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, सेट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में। ओके, एंड वो बोल रहे हैं कि एक साइड को पैरेलल भी है, तो अभी क्या बोला है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन है ये दोनों साइड्स को कैसे प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, तो हमने पढ़ के रखा है बाय बीपीटी थ्योरम कि ये लाइन इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, अनइक्वल तो रहेगा नहीं एंड सी एंड डी तो फिर रहेगा ही नहीं, बिकॉज ऑप्शन ए करेक्ट है। सो एक बार अगर आप डायग्राम अगर आपके माइंड में फिक्स रहेगा तो आप एग्जाम में इजीली कर सकते हो। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर फोर तो क्रॉस मार्क किया हुआ है, बिकॉज ये आपको एंगल बायसेक्टर वाले प्रॉपर्टी से आया हुआ है एंड आपको वो ओमिटेड था, तो जिसने पढ़ा रहेगा उसके लिए, द बायसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ओके, तो इसको भी मार्क कर देता हूँ, ये आपने थियरम का स्टेटमेंट ही है, तो जिसने पढ़ा रहेगा उसको याद रहेगा। ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अभी यहाँ से सब जो भी इंक्लूडेड है आपके क्वेश्चन में सब है, सिर्फ एक ही ओमिटेड सिलेबस से गलती से डाला हुआ था। ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो अगर एक लाइन है जैसे हमने अभी देखा ये, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन तो क्या होता है, लाइन पैरेलल रहेगा थर्ड साइड को, ये कन्वर्स पूछ रहे हैं वो लोग, सो देन द लाइन इज पैरेलल, सो ऑप्शन सी में देख रखा हुआ है। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो ये रेशियो और एरियाज वाला आपको जो थ्योरम देके रखा हुआ था वो वाला आपको उससे पूछा हुआ है। ओके, बिकॉज आपको क्या बोल के रखा है, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे आपको सिमिलर ट्रायंगल्स ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा एंड रेशियोज के बारे में बात करेंगे, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये किससे आया हुआ है। ओके, सो सिमिलर केस अपन वैसे ही करेंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बोला है, सो पहले हम लोग साइड्स लेंगे, लेकिन पहले मैं A1 अपॉन A2 ले रहा हूँ दो ट्रायंगल का एरिया। ओके, देन जो साइड्स देख के रखा है क्या दिया, 3/5, सो हमको पता है जो साइड्स होते हैं उसके स्क्वायर्स होते हैं,
सो 3/5 का क्या रहेगा यहाँ पे स्क्वायर, ओके। एंड सिमिलरली 5 का भी क्या रहेगा यहाँ पे स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, सो 9/25 आएगा। एंड आपका ऑप्शन डी में देके रखा हुआ 9/25, ओके। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 एंड 81। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया देके रखे हुए, तो मैं यही फॉर्मूला देख ले रहा हूँ यहाँ पे 225 एंड यहाँ पे 81, ओके। देन इफ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, सो नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है। सो एक तो बोला है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सो सिमिलर से पता लगा हमको फिर से क्या करना है, हमको स्क्वायर वाला लगाने का फॉर्मूला। 225/81 = साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, सो स्मॉलर ट्रायंगल ये तो रहेगा नहीं क्योंकि जिसका एरिया ज़्यादा है उसका साइड्स भी बड़े रहेंगे एज कम्पेयर टू द अदर ट्रायंगल। सो यहाँ पे 12 किधर लिखेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में, ओके। देन अपॉन ऊपर न्यूमरेटर में क्या रहेगा वो आपको पूछ के रखा है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, सो ये आपको पूछा हुआ है। एंड इसका स्क्वायर बोला, इधर भी स्क्वायर रहेगा इधर भी स्क्वायर रहेगा, सो आपको पता है राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके। सो 225 का स्क्वायर रूट इज 15 एंड 81 का क्या होता है 9, सो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें क्या आ जाएगा 15/9 = x डिवाइडेड बाय 12। एंड इसके बाद में एक बार आप सॉल्व करोगे जो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सो 15/9 तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ये साइड में, एंड हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 12 को ये साइड लेके आएंगे, 12 राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या था डिवीजन में था, सो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। एंड इसके बाद में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं, 3 3s are 9, ओके, एंड 3 5s are 15, 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12 एंड उसके बाद में 5 4s are 20, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, ओके। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट इज 2/3, ओके। यहाँ देखो पहले से सिमिलर बोल के नहीं रखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा हम लोग अपना फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो पहला वाला फॉर्मूला जो हमने देखा अभी जस्ट, बेस एंड हाइट का जो प्रोडक्ट रहता है ना वो वाला फॉर्मूला। सो a1 upon a2 दोनों ट्रायंगल के लिए मैंने एरिया के लिए लिख दिया है इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले का बेस इंटू हाइट देन सेकेंड वाले का बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट वाले का आपको दिया गया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट इज 2/3, ओके, 2:3 मीन्स यहाँ पे जो हाइट से वो क्या इक्वल है, तो यहाँ पे आपको एरियाज देके रखे हुए हैं, ओके। सो ये क्या है एरिया का रेशियो दिया हुआ है, इफ बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल, ओके। सो यहाँ पे हाइट सेम है तो यहाँ पे आपको एक तो एरिया देके रखा हुआ है, सो इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं a1 upon a2 = 2/3, ओके। एंड 2/3 ये फर्दर किसको इक्वल रहेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला वो लोग ने हाइट इक्वल है तो बेस क्या दिया हुआ है 6 एंड दूसरा आपको पूछा हुआ है, सो स्मॉलर ट्रायंगल का 6 है तो हम लोग देख के पहचान सकते हैं जो फर्स्ट वाला है वो स्मॉलर ट्रायंगल, बिकॉज उसका एरिया का जो रेशियो है वो क्या है छोटा है स्मॉल है, ओके। सो बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6, तो ऊपर क्या लिखेंगे 6 एंड व्हाट विल बी द बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल, सो यहाँ पे x। अभी अगर हम लोग इसको इतना सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × x = 6 × 3, सो 2 × x = 2x, 6 3s will be 18 एंड नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ में, सो वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, सो 18/2 = 9, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 2:5, इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 64 देन वॉट इज द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, तो ये भी आपको वैसे ही देके रखा हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 2:5, ओके। सो दो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर वाला फिर से हमको क्या याद आता है, इससे हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ओके। सो a1 upon a2 = side 1 upon side 2 whole square, ओके। सो यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर लगा सकते हैं, आप द होल स्क्वायर लगा दो या फिर जैसा हम लोग ने अर्लियर केस में किया था सिंगल सिंगल दोनों को स्क्वायर लगाया था वैसा, दोनों का मीनिंग एक ही रहता है, ओके। इज इक्वल्स टू यहाँ पे एरिया आता है, ओके। सो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल 64 बोला है तो ऊपर क्या है स्मॉलर ट्रायंगल का साइड है, अगर साइड छोटा है तो उसका एरिया भी क्या रहेगा छोटा, सो यहाँ पे क्या आएगा 64 एंड आपको एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल पूछ के रखा हुआ है तो अपॉन एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल वो हमें अननोन है, हमें पता नहीं है, सो क्या लिखने वाले हम लोग उसको वैसे का वैसा ही लिखने वाले, सो यहाँ पे एक्स, ओके।
क्योंकि अननोन है स्केल, आप एक्स भी लिख सकते हो या फिर ए टू भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 2 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एंड 5 का स्क्वायर क्या है 25, ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा 64 अपॉन एक्स। सो ये हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, 64 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 25। एंड इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे इधर ला के मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड तो क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। सो 64 मल्टीप्लाई बाय 25 ओके अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एक्स, बिकॉज एक्स तो अकेला सिंगल रहेगा, एक्स यहाँ पे जाएगा एंड 25 इसको मल्टीप्लाई एंड 4 अपॉन में आ गया ओके। देन 4 वन जा 4 एंड 4 16 जा इज 64। एंड अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 25 विल बी 400 ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो इनकरेक्ट देके रखे हुए थे, इसके लिए आपको यहाँ पे अलग से मैंने 400 लिखा हुआ है ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9th का जो आंसर है वो 400 है, आपने भी अगर सॉल्व किया रहेगा तो आपका आंसर 400 आया रहेगा ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर 400। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th, इन ट्रायंगल एबीसी एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बीक्यू इज परपेंडिकुलर टू एसी। सो जो पहला डायग्राम जैसा बोला हुआ वैसा डायग्राम ड्रॉ कर लेते, वैसे इतने बड़े क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट हाँ अगर वो लोग को एक दो हार्ड टाइप क्वेश्चन डालने रहेंगे तो वो लोग ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं आपको ओके, जिसमें आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको देख के ही आ जाते हैं एंड कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सो ए पी यहाँ पे क्या है बी सी को परपेंडिकुलर है, ये फर्स्ट केस बोल रहे हैं। एंड बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सो बी सी लेके क्यू तक, बिकॉज ए सी को परपेंडिकुलर है, सो ए बी परपेंडिकुलर है ओके। एंड बी पी सी एक लाइन में करेक्ट, एंड ए क्यू सी एक लाइन में करेक्ट। ट्रायंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी, सो दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सी पी ए एंड सी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल है एंड दूसरा वाला ये ट्रायंगल है ओके। देन इफ ए पी इज इक्वल्स टू 7, बी क्यू इज इक्वल्स टू 8, बी सी इज इक्वल्स टू 12, देन लेंथ ऑफ ए सी विल बी। तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स देके रखे हुए तो हम लोग उसका ही यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए ओके। यहाँ पे क्या बोला है, ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी सिमिलर है, तो हमने पढ़ के रखा हुआ अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम लोग उसको उनके साइड्स को रेशियोज में लिख सकते हैं, लाइक सी पी यहाँ से सी पी लिया एंड यहाँ से सी क्यू लेंगे ओके। सो सी पी अपॉन सी क्यू तो फर्स्ट वाला लिया, देन सिमिलरली बाकी दोनों साइड्स के लिए भी, सो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में से पी ए आ जाएगा एंड जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है इसमें से क्या आ जाएगा क्यू बी ओके। देन उसके बाद में जो थर्ड साइड्स बचा हुआ है जो रिमाइंडर साइड है वो क्या है सी ए एंड दूसरे ट्रायंगल का सी बी ओके। देन उसके बाद में क्या होने वाला है, अभी जो हमारे जो हमको साइड्स की ज़रूरत है हम लोग वही यूज़ करेंगे। सो ए पी बी क्यू बी सी ए सी लिखते किस में, ए पी बी क्यू बी सी ए सी मतलब ये दोनों पेयर्स का हमको ज़रूरत लगने वाला है, तो हम लोग इसको ही लेके आगे सॉल्व करेंगे। अभी जो भी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं, ए पी के प्लेस पे 7 एंड क्यू बी के प्लेस पे 8, तो यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 8, सो 7 ओके, ये 7 एंड अपॉन 8। देन राइट हैंड साइड देखते क्या है सी ए, सो सी ए तो नहीं दिया हुआ है बट बी सी दिया हुआ है, सो सी ए को एक्स ले लेते एंड जो बी सी दिया हुआ है वो क्या दिया आपको 12 दे के रखा हुआ है ओके। सो 12 ओके, सो इसका मीनिंग ये होता है कि जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये अपने को जो दे के रखा हुआ है वो अपने को करस्पॉन्डिंग साइड्स दे के रखे हुए हैं ओके, तो इसमें कुछ डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ओके। देन अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 12 7 जा 12 वो साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 7 ओके, सो मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ अलग से, सो 7 ऐसे का ऐसा मल्टीप्लाई बाय 12 एंड अपॉन डिवीजन में 8 देन इज इक्वल्स टू एक्स ओके। अभी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 एंड अपॉन 2, सो 21 अपॉन 2 हमारा आंसर आएगा। अभी हम लोग ऑप्शंस में देख लेते हैं 21 अपॉन 2 दिया है कि इसको हमने डिवाइड करके फिर लिखा हुआ है, सो 21 अपॉन 2 आएगा ए सी का वैल्यू, बिकॉज ए सी को हम लोगों ने एक्स बोल के रखा हुआ है, सो डिवाइड किया हुआ है बिकॉज हम पॉइंट्स में दिए हुए, सो 21 का हाफ आपको पता है कैसे निकालने का, 20 का हाफ इज 10 एंड 1 का हाफ इज 0.5, सो 10.5, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन बिकॉज ऑप्शन ए में आपको 10.5 दे के रखा हुआ है। सो आई होप कि आपको मैक्सिमम इसमें से जो आंसर है वो करेक्ट आए रहेंगे ओके।
एंड बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। एंड अगर आपने जो लास्ट वाला वीडियो है जिसमें हमने इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके एक बार देख लो। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए एंड क्वेश्चन बैंक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।